गुजरात में सारे पेपर फूट जाते हैं, सारे पेपर लीक हो जाते हैं, उससे बच्चे बहुत परेशान हैं। पेपर देके आते हैं और पता चलता है पेपर फूट गया, लीक हो गया। इसके लिए कानून लेके आएंगे, पेपर फूटने के खिलाफ कानून लेके आएंगे। अब कोई पेपर फूटने नहीं देंगे। जो पेपर, जो लोग इसके पीछे हैं, जो माफिया इसके पीछे है, उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और पेपर फूटने का सिस्टम बंद करवाएंगे गुजरात में। और पांचवी बात, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में भी किसी नेता के, किसी इसके सिफारिश से और घूसखोरी से नौकरी मिलती है। जितने कोऑपरेटिव सेक्टर में नौकरियां हैं, वो सारी नौकरियों का सिस्टम ठीक करेंगे, पारदर्शी करेंगे, आम बच्चों को नौकरी मिलेगी, सिफारिश से नौकरी नहीं मिलेगी, घूसखोरी से नौकरी नहीं मिलेगी। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये पांच बातें मैं कर रहा हूं, और फिर से मैं अपने भाइयों बहनों को, बच्चों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 5 महीने रह गए, अब कोई आत्महत्या मत करना, बहुत तकलीफ होती है, कोई आत्महत्या नहीं करेगा। तो ये 5 गारंटी है रोजगार की। अभी थोड़े दिन पहले मैं आया था, मैं एक और गारंटी देके गया था, बिजली की गारंटी। आज गुजरात में इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगी बिजली है, एक छोटे छोटे किसी के घर में एक पंखा, टीवी, छोटा सा फ्रिज है, हजारों रुपए का बिल आता है। एक आम बेचारा आदमी कहां से खाएगा, कहां से बच्चों को पालेगा? आमदनी बढ़ नहीं रही, नौकरी जा रही है लोगों की, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, दिल्ली में बिजली फ्री कर दी हमने, पता है आप लोगों को?